नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हैवेल्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। और दोस्तों, हैवेल्स का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो क्या रहे रिजल्ट्स उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, चार्ट के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके टारगेट प्राइस रहे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करा करें, और ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग रिजल्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हैवेल्स के रिजल्ट्स कैसे रहे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, डिस्कशन ये है कि हैवेल्स का कि अभी स्टैंड अलोन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिविडेंड देख लेते हैं कि क्या डिविडेंड दिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो बोर्ड रिकमेंड से डिविडेंड ऑफ 3.5 ₹3.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है फेस वैल्यू 1 से। तो लगभग 350% का डिविडेंड अनाउंस किया है फेस वैल्यू से। तो ₹3.5 का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। और 30 जून की AGM के पहले ये डिविडेंड अप्रूवल लेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे विदिन द 30 डेज ऑफ AGM। आगे चलते हैं दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ। यस, सो दिस इज द रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट कह सकते हैं। अगर हम टोटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सारी फिगर्स करोड़ में है, तो टोटल इनकम मार्च क्वार्टर की देखें दोस्तों तो 3368 हो गई है, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें 3205 से, तो उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, लगभग 5% के आसपास का जंप है। वहीं पे अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग इनकम में लगभग 50% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो इनकम में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देख लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो 454 का प्रॉफिट हुआ है, वहीं लास्ट क्वार्टर में 467 से, तो लगभग फ्लैट सा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो प्रॉफिट में लगभग 3 गुना जंप देखने को मिल रहा है, डबल के आसपास। तो लगभग 100% से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे बिफोर टैक्सेस हुआ है। और अगर हम टैक्सेस और डेप्रिसिएशन और हटा दें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये 302 करोड़ के आसपास आता है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग प्रॉफिट में 70-80% का जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट ईयर से 2.83 थी, इस बार 4.83 है, तो इसमें भी जंप देखने को मिला। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कह सकते हैं डाउन है। तो अगर आप सारे पैरामीटर पे देखें तो ये एक अच्छा रिजल्ट नजर आएगा, ऑल पैरामीटर्स। वहीं दोस्तों, अगर हम आगे मूव करें तो टोटल एसेट क्वालिटी की तरफ मूव करें तो एसेट क्वालिटी भी इनकी इम्प्रूव हो चुकी है, 8820 से 7047, तो 10-15% का जंप एसेट क्वालिटी में भी देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे आए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा फ्लैट टाइप के नंबर्स हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे दिया है हैवेल्स ने। अब दोस्तों, अगर हम आगे चलते हैं, चार्ट चेक करें इनका, तो यहाँ पे हैवेल्स देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हैवेल्स के चार्ट चेक करें। तो हैवेल्स का अगर हम चार्ट चेक पे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि हैवेल्स के कैसे चार्ट्स हैं और क्या आगे के रुझान बनेंगे, क्या आगे के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पिछले एक साल का अगर आपका नजरिया, तो एक बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुका है 1230 के लेवल से, तो अब डाउनसाइड रिस्क बहुत कम बचा है। तो 980 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि बॉटम इसने बनाया था, तो 980 का स्टॉप लॉस बनाइए। और ऊपर के लेवल बहुत ही जल्द अब हम लोग 1300 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है यहाँ पे, तो 980 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वहीं अगर हम दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें,
तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक रेंज बाउंड रहा है दोस्तों, ये 1060 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 1090 या 1100 तक के टारगेट इंट्राडे ट्रेडिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए।